हेलो गाइस, माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। दोस्तों आइए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं, एक काफ़ी बड़ा झुंड है। उस झुंड पर अधिकार करने के लिए दो नर आमने सामने। अब ये दो नर आमने सामने क्यों हैं, इसका कारण मैं आपको बताऊं तो कोई भी झुंड हो उस पर किसी ताकतवर नर का अधिकार होता है। सामने कुछ मादाएँ टकटकी लगा के देख रही हैं कि झुंड का मालिक कौन बनने वाला है, क्योंकि जो झुंड का मालिक बनता है उससे फिर सारे सदस्य डरने लग जाते हैं। एक तरीके से वो उसका राजा बन जाता है। और इधर ये एक तो ये जो झुंड की तरफ जा रहा है, और इधर मैं झुंड की तरफ लेके चलूं तो यहाँ भी बहुत सारे सदस्य हैं इस झुंड के, जो उन दोनों बड़े नर की तरफ टकटकी लगाए देख रखे हैं। अब ये देखो, ये झुंड का मालिक नहीं है। झुंड का मालिक पीछे जब भी दो आए थे उनमें से था। देखना, अब ये आएगा, हर एक सदस्य को स्मेल करेगा, उनको धमकाएगा। देखो इनकी धमकी ये है, इस तरीके से ऊपर गर्दन कर लेते हैं, ऊपर निकाल लेते हैं, तो सारे के सारे शांत खड़े हो जाते हैं, कोई सामना करने की कोशिश नहीं करता। तो फिर ये कहा जा सकता है कि सारे सदस्यों के द्वारा कबूलनामा है ये। हर एक सदस्य को जाके स्मेल करेगा यानी सूंघेगा। लेकिन ये चीज़ यहीं पर नहीं रुक जाती। अब जो झुंड का मालिक है वो भी इसके पीछे पीछे दूसरी तरफ से दोस्तों आ रहा है। अब यहाँ दो ही चीज़ होंगी, या तो इनमें फाइट होगी या एक अपने आप छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। ये दोनों इतने बड़े नर, अब इसने हर एक सदस्य को, क्योंकि ये नया मालिक बनने के लिए आया, तो हर एक सदस्य को स्मेल किया, सूंघ लिया। उसके बाद में देखते हैं जो झुंड का मालिक है, झुंड का मालिक है वो अब इसको खदेड़ने के लिए है पक्का, पीछे से ही आ रहा होगा, इसके पीछे पीछे है वो। चलो मैं उधर लेके ही चलता हूँ आपका कैमरा, पहले इसको कुछ देर के लिए दिखाते हैं। देखो ये इसकी पावर दिखाने की, नीलगाय का एक वो है ये, कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, ताकतवर दिखाने के लिए। ये देखो, ये आ गया दूसरा जो मालिक है झुंड का, ये भी आ चुका है। दोनों का आप देख सकते हो कलर ही अलग है इनका, बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, जितना ताकतवर होता है उतना ब्लैक हो जाता है। अब दोनों, अब वो देखो, वो अपनी ताकत इसको दिखाएगा। ये जब छोटे से दर्शकों को दिख रहा है, ये देखो, क्योंकि इनकी खास विशेषता होती है इस जानवर की, कि जब ये अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं तो गोल गोल घूमते हैं, अपने गर्दन ऊपर को कर लेते हैं, कूबड़ निकाल लेते हैं। जब दूसरे सदस्य बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होने वाला है, लेकिन जब मालिक आया तो ये जो बाहर का इस संगठन को यानी इस झुंड को हत्याने आया था, वो यहाँ से धीरे से रफू चक्कर होते हुए आप देख सकते हो। अब जो सदस्य थोड़े झुंड से दूर हैं उनके पास वो जाता है, और फिर यहाँ से वो दौड़ के चला जाता है। दोस्तों प्लीज़ यार, अगर नीलगाय का वीडियो आपको पसंद है और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना, क्योंकि नीलगाय की हर एक एक्टिविटी मैं आपको मेरे चैनल पर दिखाऊँगा, हर एक एक्टिविटी। इधर मादाएँ काफ़ी दूर खड़ी हुई हैं, डरी सी सेमी सी, लेकिन उनको अंततः ये पता लगा कि ये फाइट नहीं होने वाली।